हाँ जी, इंजेक्शन लगा रहे हो। कल पक्का हॉलिडे? हाँ कल पक्का हॉलिडे है। कल पता नहीं मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कभी छुट्टी नहीं ली वैसे, मतलब कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो कल मेरा छुट्टी लेने का मन है, तो मुझे छुट्टी दीजिएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली एक्सीड करता है 20 लाख ऑन 12th of August को। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd September को। पहले बोलो क्या ये टाइम से है? सर मंडे की क्लास एवीए पर आएगी, मंडे की दे दूंगा। चल मंडे की तो दी, अगर तू ऐसी बात कर रहा तो जब मंडे की दी। सर आज लास्ट है लाइव क्लास या इसके बाद एवी पर? भाई साहब मैं डेली लाइव ही पढ़ाने के लिए आऊंगा यहाँ पे, आगे बात समझ में? मैं लाइव ही पढ़ाने के लिए आऊंगा यहाँ पे। चल ठीक है, मंडे से दे दूंगा तुझे, मैं दे दूंगा एवी पे। ठीक है, मंडे की एवी पर आएगी तेरी क्लास, मंडे की क्लास एवी पर है। मैं तुम नहीं आओगे ना, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, फिर बता रहा हूँ मैं। झगड़ा कौन करेगा फिर मुझसे यहाँ पे? द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी लिमिटेड एक्सीड 20 लाख ऑन 12th August। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd September एंड वॉज ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6th of September। टाइम से किया था 12 अगस्त, हाँ टाइम से था जी, और सर्टिफिकेट 6 तारीख को मिलता। यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस सांगरी दैट व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। क्या थी जी? ओ वो हो, 12 तारीख रहेगी, 12 अगस्त। इट हैज़ ऑल्सो सॉट फॉर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बताओ कब से कब तक का दे सकते हैं? सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस दिया जाएगा 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के पीरियड का, 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर इस पीरियड का, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कहाँ से 1 महीना? 6 सितंबर से 1 महीना, और वो बनेगा तेरा 6 अक्टूबर जाके। कहाँ 6 अक्टूबर? ये रहा 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर ये आ गया। ठीक है ना जी, ग्रेट। आगे चलो बाबू जी। महादेव एंटरप्राइजेस अ सोल प्रोप्राइटर फर्म ओपन्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स एट मल्टीपल लोकेशंस, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा इन द मंथ ऑफ जून। ही हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सेल मेड एट सच मल्टीपल लोकेशन फॉर द मंथ। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इंट्रास्टेट इंट्रा टैक्सेबल गुड्स, इंट्रास्टेट एग्जेम्प्टेड गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन FD और इंट्रास्टेट सेल फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स। डिटरमिन वेदर महादेव इंटरप्राइजेज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इन लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मेकिंग रजिस्ट्रेशन। बताइए मालिक। यहां पर आकर बता भुवनेश्वर, बता जरा कि यहां पर आकर क्या होगा, उस सीक्वेंस में आ जा। क्या सेक्शन 23 की एग्जम्पशन है? नहीं। क्या 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है? नहीं। तो ये बता अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या है और एप्लीकेबल लिमिट क्या है। जहां तक सवाल है एग्रीगेट टर्नओवर का, सारा कुछ जुड़ जाएगा, सारी की सारी आउटवर्ड है, सप्लाई है। हाँ बोल, हाँ मुझे बता मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, फटाफट से बता। सर ऑल इंडिया बेस पे सारा जोड़ दो, टोटल करके बताइए। मुझे बताया जा रहा है हांसी के द्वारा, सर 56 लाख इतना करके बताया जा रहा है, 90 लाख, 56 लाख। लो जी हांसी तरह टोटल भी गलत है। अबू लेन 57, मतलब इसका टोटल भी गलत है। ये पता नहीं बच्चा क्या करेगा, मेरी समझ से बाहर है। 57.5 लाख, ठीक है जी, ये आया एग्रीगेट टर्नओवर। एप्लीकेबल लिमिट क्या है, उसके लिए मुझे देखना होता है कि यहाँ त्रिपुरा आया है, लेकिन क्या वहाँ से टैक्सेबल सप्लाई है? त्रिपुरा से 4 स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई होती है तो ही बात करता हूँ। हाँ सर टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। देन योर ओवरऑल लिमिट विल बी ₹10 लाख, तो इनको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा जी। आंसर क्या बोलता है साहब? आंसर क्या यही सही बोलता है क्या? इनको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन।
क्या कह रहा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, बोला उन्होंने पहले के। अच्छा दूसरा बोलो, नहीं आंसर मैच कर रहा ना आपका, ये कहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आंसर में, मैं आंसर टेस्ट करवा रहा हूं आपसे। लिमिट रिड्यूस टू 10 लाख रुपीज, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, एप्लीकेबल लिमिट 10 लाख रुपये होगी, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। करेक्ट है जी, ये ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर ठीक था। उसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये दूसरा पॉइंट है आपका, एक्सप्लेन विद रीजन वेदर योर आंसर इन वन विल चेंज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। यदि महादेव एंटरप्राइजेस इन डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कितना जहर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमने भी जहर ही पढ़ा है मालिक। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ हिमाचल से कर रहा है, वो कह रहा भाई साहब त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई है नहीं, तो अब बताइए अगर त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो अब आप कहां फॉल करेंगे। सर त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो 10 लाख वाली लिमिट में तो नहीं आएंगे, 10 लाख वाली में नहीं आएंगे। क्या 20 लाख वाली में आएंगे? 20 लाख वाली क्या बोलती है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम एंड पांडिचेरी, तेलंगाना। भाई साहब कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं है इनमें से, नहीं है सर, उत्तराखंड है सर, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। बताइए आपकी एप्लीकेबल लिमिट कितनी निकल के आएगी, 40 लाख या फिर बाबूजी 20 लाख रुपए? फाइनल कॉल सर, गुड्स का क्वेश्चन है, नॉन टैक्सेबल भी है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दो, महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल, द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट वुड बी 40 लाख रुपीज, दस महादेव एंटरप्राइजेस विल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर वुड बी 22,50,000। ऐसे क्यों, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना क्योंकि इनका एग्रीगेट टर्नओवर 22,50,000 रुपए है? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, रीजन दीजिए इसका, ये क्या कह रहा है यहां पर आकर, क्या गलत है, क्वेश्चन गलत है या आप गलती कर रहे हैं, बताइए जरा, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या आप गलती कर रहे हैं? क्वेश्चन तो शायद गलत नहीं हो सकता माय डियर, आंसर तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि आंसर तो बाबा ने बनाया है। जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रहा क्या, अरे 9:10 हो गए यार, चल फिर ठीक है, ठीक है चल, ओहो भाई साहब कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले तू, अगली में कर लेंगे। सबसे पहले इसी को छेड़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, चलो जल्दबाजी नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, कल छुट्टी है, मंडे में आपकी हमारी मुलाकात हो रही है और मंडे की वाली क्लास में आपकी अवेलेबल करा दूंगा AVA पर, ठीक है। चल मालिक टाइम बहुत हो गया, कस्टम की और रिमेनिंग क्लास GST की कब से, कस्टम की शायद है AVA पर, चेक करना एक बार जरा, LMS पे करने से, नहीं नहीं LMS पे नहीं आएंगी, AVA पर आएंगे। मंडे को बस डे, अरे यार धीरे धीरे आन देना, दे दूंगा चिंता, मैं मेरे कमिटमेंट से नहीं फिरूंगा यार, चिंता क्यों करता है, घबरा मत तू। फर्स्ट केस में दिसंबर तो कैंसिल हो गई और उसके बाद तो कस्टमर से GST लिया नहीं होगा, फिर दिसंबर से फरवरी के रिटर्न में क्या जाएगा? अगर तू कस्टमर से ले मत ले, सरकार जरूर लेगी तुझसे। अगर मैं तुमसे GST ना लूं तो क्या मैं मेरी GST लायबिलिटी से बच जाऊंगा? द आंसर इज नो। टेस्ट ऑफ कस्टम क्या हालचाल, हालचाल है वो आपका प्रोसीड हो गया, मैंने ओके कर दिया टेस्ट, शायद आप तक पहुंच गया होगा या कल पहुंच जाएगा। चलो मालिक आज के लिए इतना ही, 9:15 बज चुके हैं, थैंक यू सो मच, बाय टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय बाय, अरे बाय बोला करो और राधे राधे बोल के जाया करो, बाय 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 सर।